गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लास ऑफ कंप्यूटर क्लास 8 एंड द टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी। दिस इज फर्स्ट लेसन कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन मेमोरी। मनुष्य का जो दिमाग है, जो दिमाग जिस तरीके से ह्यूमन का काम करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी दिमाग काम करता है। और उसको दिमाग काम करने में सक्षम एक मनुष्य ने ही बनाया है, फिर भी ये बहुत तेज है। हमारे द्वारा निर्मित, हमारे द्वारा बनाया गया, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा दिमाग रखने वाला एक वस्तु है कंप्यूटर, जिसे हम सब जान रहे हैं। इसकी मेमोरी कहाँ तक है, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी मेमोरी को हम लोग डिनोट करते हैं बाइट में, किलो बाइट में, मेगा बाइट में, जीगा बाइट में, टेरा बाइट। शुरुआत में कंप्यूटर काफी धीमी गति से काम भी करता था और उसमें मेमोरी भी बहुत छोटी होती थी, परंतु आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारा जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई मेमोरी तक पहुंच चुका है। बाइट, ये क्या है? व्हाट इज बाइट? 8 bits इक्वल टू 1 byte, दैट मीन्स 1 character। One character, that means 1 byte. When 1024 byte, जब 124 byte होते हैं, तो ये बन जाता है 1 kilobyte. ये हमारा आ जाता है 1 kilobyte, KB. फिर उसके बाद से आप 1 megabyte जो होता है, वो इक्वल होता है 1024 into 1024. ये 1024 गुना 1024 जो है, ये बाइट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आएगा 1 megabyte। देन जीगाबाइट, 1024 into 1024 into 1024। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा कैलकुलेशन है समझने के लिए। तो ये हमारा मेमोरी आज जो है, एक साधारण सा मोबाइल फोन भी अगर खरीदते हैं तो उसमें मेमोरी जो होती है, इंटरनल मेमोरी जो होती है, वो जीगाबाइट में होती है। तो इतना आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना कैरेक्टर उसके अंदर समा सकता है, मीट हो सकता है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी जो है, वो कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये क्षमता हमारे दिमाग, ये छोटा सा दिमाग है मनुष्य के अंदर, फिर भी बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेता है कंप्यूटर। उसी तरह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में वह डाटा को स्टोर करता है और ये स्टोर करने की क्षमता जो होती है धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही है। हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इसके वजह से ये बढ़ते जा रहा है। जीगाबाइट में हम लोग यूज करते हैं 16 GB, 32 GB, जिसे GB करके हम लोग बातें करते हैं, तो 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस तरीके में हम आप देखते होंगे कि उतना ही मेमोरी में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। तो उससे भी जब टेराबाइट आ रहा है तो कितनी ज्यादा चीजें होंगी स्टोर, तो बहुत सारी चीजें और बहुत ही ये हमारा स्टोर करने का क्षमता है। इसके बाद आता है आपका कैटेगरी, मेमोरी की कैटेगरी क्या है। मेमोरी को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका इंक्लूडिंग है उसमें, और इसके पहले है जो मेमोरी को कैटेगरी के वाइज, ये टाइप्स हैं लेकिन कैटेगरीज के हिसाब से जब हम बांटते हैं तो आता है, वो होता है वोलेटाइल मेमोरी।
और दूसरा है नॉन वोल्टाइल। मैंने इसे भी इसीलिए लिखा था क्योंकि इसको समझने में आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा होगा। वोल्टाइल मेमोरी जो होता है ये हमारा टेम्पोररी मेमोरी होता है, मतलब कि कुछ समय के लिए, जैसे ही आप कंप्यूटर पर कुछ चीज कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो या कोई भी चीज लिख रहे हो और पावर कट हो जाए, ऑफ हो जाए, तो जो आपका डाटा था सारा इरेज हो जाता है। जबकि नॉन वोल्टाइल मेमोरी जो है ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें पावर कट होने के बावजूद क्या होता है कि आप उसको सेव कर सकते हैं, वो रह जाता है। और इसमें वोल्टाइल मेमोरी जो होता है इसमें जो भी काम करता है वह है रैम, और इसमें जो काम करता है वो है रोम। रैम रोम, आप बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे मोबाइल फोन्स में सुने होंगे इसमें सपोर्टिंग रैम की कितनी है, 2GB रैम है, 3GB रैम है, 4GB रैम है, ये चीजें कॉमन सी हो गई है। तो आप जान जाइए कि रैम जो है वही सपोर्टिंग होता है, वो सपोर्ट करता है, वो वोल्टाइल मेमोरी है। स्टार्टअप बूटअप जिसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रैम का यूज होता है। देन रोम जो है नॉन वोल्टाइल मेमोरी है और वो परमानेंट मेमोरी कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा, जो रैम हमने आपको बताया, ये इसीलिए मैं इसको इस साथ में लिखा था, ये जो रैम हमने बताया ये प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारा रोम। ऐसा होता है जब हम लोग, एक चीज आपको बता दूं, ये पहले सेकेंडरी मेमोरी के रूप में माना जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के सेकेंड पार्ट में रोम को इंक्लूड करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो आता है उसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है कि जो चीज बाहर से हम लोग उसको यूज करने के लिए लगाते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, दैट मींस कि आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है वह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, पेन ड्राइव जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें आपका रैम और रोम, ये दो चीजें बहुत ही वैल्यूएबल हैं। रैम एंड रोम ये प्राइमरी मेमोरी के इंक्लूडिंग हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में जो है आपका उसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये चीजें होती हैं। यानी कि आप SD कार्ड जिसे बोलते हैं, मेमोरी कार्ड उसे बहुत सारे बच्चे इसी तरह से बोलते हैं, मेमोरी कार्ड SD कार्ड उसे कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ये स्टोर करने का क्षमता रखता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम एंड रोम में जो भी आप ये जो बूटअप करने के बाद रोम जो आपका उसके अंदर छोटा सा एक जगह होता है स्टोरेज का, उसके बाद से सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा रहता है। वो हार्ड डिस्क इसलिए है कि वो एक्सटर्नल डिवाइस है, बिकॉज ऑफ आप जितने काम करते हैं, जितने आप अपने सिस्टम पर जो भी फंक्शन करते हैं तो इनसे पूरा नहीं हो सकता है, इसके लिए उसमें लगा रहता है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क लगा हुआ हार्ड डिस्क हम स्टोर करते हैं उसमें 16GB, 32GB, ये शुरुआत की बातें थी जब छोटे स्टोरेज ऑक्यूपेशन के साथ ये आया करते थे, मतलब कि ऑक्यूपाई जो है स्पेस वो बहुत ही कम होती थी। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा 500GB, 1TB, दैट मींस टेराबाइट, इस तरीके से ये आना शुरू हो गया है, और आप इससे ज्यादा भी मात्रा में आता है। तो हम किसी भी चीज को सेव करते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, वो फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए। तो सिस्टम, आज आपने ये जाना कि हमारे सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी का क्या महत्व है। कंप्यूटर मेमोरी, अगर उसमें जो भी मेमोरी है, जो भी स्टोरेज है, स्टोरेज करने का क्षमता होता है, फ्यूचर में हम लोग उसको यूज करते हैं, अगले दिन यूज करते हैं, कुछ फंक्शन किए तो उसको यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें बाद में काम आती हैं। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर जो आपका है कंप्यूटर मेमोरी, उसको और भी
ढंग से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और मैंने जो बताया उसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। कोई भी फॉल्ट हो, दिक्कत हो, कोई भी चीज समझने में हो, अगर परेशानी, तो आप कमेंट्स में डाल देंगे, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।